हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो फ़ोन है तो टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग है तो एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको सिंपल सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग है तो एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग को सेट कैसे करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है एंड्रॉयड ऑटो। तो एंड्रॉयड ऑटो को हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ से जो एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग है उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही जो हमारे एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग ओपन हो जाएगी, जिसमें से आप एंड्रॉयड ऑटो के जरिए अपने जो फ़ोन डिवाइस होता है उसको आप किसी भी कार डिवाइस से मतलब कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, वायर जरिए केबल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ में आप ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करना चाहते हैं तो ब्लूटूथ के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेयर टू ब्लूटूथ ऑप्शन आ जाएगा, इसके जरिए आप कार डिवाइस को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लूटूथ के जरिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग को। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की मोर कनेक्शन सेटिंग पर जाकर भी एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग को सेट कर सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि मोर कनेक्शन हो रही है, जहाँ से आपको एंड्रॉयड ऑटो पे जाना है। एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप एंड्रॉयड ऑटो यानी कनेक्ट ए कार यानी कनेक्ट ए कार यानी वायर के जरिए से जो यूएसबी केबल होती है उसके जरिए आप कार से कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन डिवाइस को और इसका यूज़ कर पाएंगे। और साथ में जैसे वायर नहीं है आपके पास तो आप ब्लूटूथ के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली हमारे पास ये ब्लूटूथ का ऑप्शन भी शो होता है, जहाँ से आप पेयर कर सकते हैं कार डिवाइस को। तो इस तरीके से आप एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग को सेट कर सकते हैं टेक्नो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।